तो भाई अगर ये वाला करना ना जिप्सी में, हाँ कर देंगे कोई बात नहीं, हाँ। पर कमेंट करो 10,000। अरे बाप रे बाप, ओ हो रे रे। ये क्या हुआ ऑफ रोडिंग में? हाँ कोई नहीं यार, ऑफ रोड में गाड़ी चलेगी कुछ ना कुछ तो हो। तो भाई आज दिन की शुरुआत अपने ऑफिस के साथ, मतलब वीडियो की शुरुआत हम अपने ऑफिस में कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, ये टेबल और ये जो चेयर है ना, फाइनली हमने डिसाइड कर लिया हम इसको बेचने वाले हैं। अब बेचेंगे कैसे, क्या रेट बेचेंगे वो बात की बात है, लेकिन इसको बेच के मैं यहाँ पर एक और सोफा लगाऊंगा, बीच में बढ़िया सा कारपेट, वहाँ मेरे दोस्त लोग बैठेंगे, यहाँ दोस्त लोग बैठेंगे, बैठ के बातें बातें करेंगे। इस रूम में ना बहुत तगड़ी फील आती है, और इस दीवार के लिए मैंने सोच लिया, ये खाली दीवार मैंने क्यों रखी हुई इतने टाइम से, इसके लिए मैंने कुछ सोचा हुआ मेरे को क्या करवाना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। देखो होता क्या है ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, और मेरा क्या है ना, जो दिमाग में चल रहा होता है वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वही मैं आप लोगों को व्लॉग में बताता हूँ। तो दो दिन से मैं सोच रहा हूँ इस टेबल चेयर को भेज दूँ, बिकॉज ये ना काम नहीं आ रहा है। जब भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ ना, या तो इस टेबल पर बैठ के करता हूँ या रूम में बैठ के करता हूँ, वो टेबल चेयर का मतलब नहीं है, उसने ऐसी जगह घेरी हुई है। तो उसकी जगह हम कुछ काम की चीज मंगाते हैं जो काम भी आए। अभी का सीन क्या है ना, आज हम कुछ एडवेंचर करने वाले हैं, जिप्सी लेकर जा रहे हैं हम कुछ ऑफ रोड ट्रैक पे। एक जिप्सी नहीं, एक थार भी है, वो भी तगड़ी मॉडिफाई हुई है, मनाली से कुछ भाई लोग आए हुए हैं। तो पहले जाऊंगा उनसे मिलवाऊंगा, उनकी थार दिखाऊंगा, अपनी जिप्सी लेकर जाऊंगा, और कुछ एडवेंचर। देखो जिप्सी तो हमारे पास है, उसमें छोटे मोटे एडवेंचर तो हमने करे, छोटे मोटे नहीं करे तो तगड़े हैं, स्पीति गए माइनस टेम्परेचर में, लेकिन कुछ उबड़ खाबड़ होता ना टेढ़ी मेढ़ी रोड पे, आज अपनी जिप्सी चलाने वाले हैं। मेरे को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो अभी ना मुझे इस रूम के लिए दो चार लाइट चाहिए छोटी छोटी, जो कि ना मैं हेलमेट के बीच में रख दूं, जैसे मैं अभी ये वाली लाइट यूज कर रहा हूं ना यहां पर फोकस करने के लिए। उससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा व्यू नजर आएगा अगर मैं वहां खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा ना। और जब भी मैं इस रूम में आता हूं ना, मैं हमेशा सोचता हूं कब मुझे हेलमेट पहनने का मौका मिलेगा, कब मैं बाइक चलाऊंगा, कब मैं अपनी राइड एंजॉय कर पाऊंगा। तो देखो यार, आप सबको तो पता है बाइक राइडिंग का मुझे कितना ज्यादा शौक है, और क्रिकेट से भी मुझे कितना ज्यादा प्यार है। अभी बाइक राइड तो मैं अपनी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहा, लेकिन क्रिकेट का फेस्टिवल मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं। जी हां, क्रिकेट का फेस्टिवल यानी आईपीएल जो कि स्टार्ट हो चुका है, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग है, जिसको मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा हूं प्रोवो के साथ। और अभी आप लोग सोचोगे ये प्रोवो क्या चीज है, देखो प्रोवो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर आप हजारों और लाखों कमा सकते हैं। जैसे अभी आईपीएल के 9th मैच में सवाल था, क्या आपने विराट भाई 20 या 20 ऊपर रन स्कोर करेंगे, मैं कंफर्म था, इसलिए मैंने यस को ओपिनियन सेलेक्ट किया और अपना मनी इन्वेस्ट किया, और मेरा ओपिनियन बिल्कुल सही निकला और मुझे हुआ बड़ा प्रॉफिट। और सबसे मेन चीज आपको बताऊं, प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, एंटरटेनमेंट और यहां तक की वेदर भी। और क्रिकेट की कैटेगरी में एक सवाल है, क्या मुंबई दिल्ली के खिलाफ होने वाला 16th आईपीएल मैच जीतेगी, और मुझे लग रहा है भाई मुंबई जीतेगी, बिकॉज अपने जो रोहित भाई की टीम है ना एकदम धास हुआ, इसलिए मैं यस को सिलेक्ट करता हूं, और मैं श्योर हूं, इसलिए मैं नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर से अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर अपना ओपिनियन सबमिट करता हूं। और अगर मेरा ओपिनियन सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश, और ये विनिंग अमाउंट मैं इजीली गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी भी तरह 24/7 कभी भी अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकता हूं। सोचो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, वहां से साइन अप करो और ₹25 का वेलकम बोनस पाओ। और 1 करोड़ मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने प्रोवो पर हजारों लाखों का प्रॉफिट कमाया, तो आप भी अभी के अभी प्रोवो को डाउनलोड करो और प्रॉफिट कमाओ। आज मैं अपना लैपटॉप भी साथ ही लेके जा रहा हूं, एक जरूरी काम है, हो सकता है एक मीटिंग होगी तो मेरे को वहां अटेंड करनी पड़ेगी। एक चीज और बताऊं, काफी टाइम से मैं सोच रहा हूं इसमें ना थोड़े बहुत स्टिकर और बनवाने हैं, खाली दो ही बनवाए हैं, एक ये बनवाया, एक फ्रंट पे हमने ये वाला बनवाया, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी स्टिकर बनवाने हैं, और भी बहुत सारे बनवाने हैं, लेकिन अपने को टाइम मिल नहीं रहा, जब टाइम मिलेगा तभी बनवाएंगे। ओहो भाई, गाड़ी में गर्मी का बपका, सूर्य देवता सामने ही है ना, एकदम गाड़ी गर्म कर दी उन्होंने। ओ भाई, स्टार्ट भी नहीं हो रही है, तो एक्चुअली चक्कर क्यों हुआ होगा ना, सामने पटरी है, देख रहे हो गाड़ी ढलान पे खड़ी, थोड़ी टेढ़ी खड़ी है, उस वजह से पेट्रोल एक साइड पे हो गया होगा, पेट्रोल भी कम है गाड़ी में, इसलिए इसने दो सेल्फ लिए मे बी। कभी कभी ना एकदम से मेरे दिमाग में ना खुराफाती वाले प्लान आते रहते हैं, अभी अभी एकदम से पता क्या प्लान है कि मैं ना गाड़ी चलाऊं, मतलब जिप्सी चलाऊं, हेलमेट पहन के आगे गोप्रो लगा के, और इसमें मोटो व्लॉग करूं, मोटो व्लॉग तो नहीं वो कार व्लॉग हो जाएगा, कार गोप्रो व्लॉग, पता नहीं क्या कहेंगे उसको, लेकिन मजा आएगा भाई एकदम से, जैसे गियर चेंज कर रहा हूं, यहां दिखाऊंगा, सामने दिखाऊंगा, और एकदम बातें बातें करता रहूंगा यहाँ वहां, मतलब अच्छा फील आ सकता है, हो सकता है एक्सपेरिमेंट कामयाब हो सकता है एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाए, अभी दिमाग में आया कभी ना कभी तो इसको करूंगा। वैसे हम दूसरे रास्ते से जाते हैं साइबर सिटी, आज जा रहे हैं हम ये वाले अंडरपास से, बिकॉज जो हमारे भाई लोग हैं ना वो इसी रोड पे आगे जाके वेट कर रहे हैं, जो साइबर सिटी को टर्न मोड़ता है ना, बस मोड़ते ही वो लोग खड़े हुए हैं। ये खड़ी एक थार बिल्कुल अलग से दिख रही है ना, आई थिंक यही होगी। कैसे हो मेरे भाई, एकदम बढ़िया, बहुत टाइम बाद दिखे, सही है, फिट हो ना? हाँ एकदम बढ़िया, बाल वाल बिल्कुल कटिंग अलग करा ली यार, कैसे हो भाई, बड़े तरुण भाई, कैसे हो तरुण भाई, बढ़िया, एकदम पहचाने नहीं जा रहे यार,
सबने बोला बहुत टाइम हो गया, 5 साल से लंबे रखे थे। हाँ। तो लाज भाई से हम मिले थे मनाली में। हाँ। उसके बाद आप मिल रहे हैं मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद। बहुत टाइम हो गया। हाँ, मतलब अगर आप वैसे रोड पे घूम रहे हो ना और मेरे को आप दिख जाओ, मैं आपको पहचानू भी ना। कोई नहीं पहचानता। मैं कहता रहा हूँ वो वाली लुक देखी थी एकदम, बड़े बड़े बाल वाली चोटी बना रखी थी एकदम से, ये वाली लुक। तो भाई यार सुबह मनाली से है तो इनका फोन आया चलो कहीं ऑफ रोड पे चलते हैं, बल्ला आ जाओ। तो अभी कितने दिन का प्लान है दिल्ली में? कुछ प्लान ही नहीं है। अच्छा, जब तक मन करेगा तब तक निकले हुए। बिना प्लान के घूमने का मजा बिल्कुल अलग लेवल का होता है। जब पता नहीं होता ना अगली डेस्टिनेशन क्या है, कभी यहाँ मुड़ गई गाड़ी कभी वहाँ, उसका मतलब एक्साइटमेंट ही अलग होता है। भाई यहीं से ऑफ रोड चालू हो गया, सोचो अंदर जाके क्या करने वाले हम लोग। तो ये पूरे का पूरा ऑफ रोड ट्रैक है और बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए ना। आज जिप्सी भी कुदाएंगे, ये वाली थार भी कुदाएंगे, और एक बार ना थार के अलॉय दिखाता हूँ, क्या जबरदस्त अलॉय लगाए हुए हैं। तो अभी मैं ना भाई से यही पूछा था, इतने बड़े टायर लगाए हुए हैं इसके अंदर, ये क्या भाई, क्या चीज है बताओ तो सही। अरे 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 अरे, ढोडा बर्फी, क्या बात है। तो भी मैं भाई से पूछा था इतने बड़े इसके अंदर रिम लगाए हुए हैं, तो गाड़ी के अंदर आवाज नहीं आती खटपट कुछ भी नहीं। अरे भैया कैसे हो? तो हमने संतोष भाई को भी फोन कर दिया था, अब इनके घर के यहाँ पर आए और बिना ऐसे मिले चले जाए। तुम कैसे यहाँ पर, आज क्या कर रहे भाई? अच्छा काम चालू है, ये दो स्पीड से नहीं शां 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 करता, ये वो है अगर किसी के पीछे भगवाना है तो। हाँ। बाइक लेके भाग रहे हो तो ड्यूक चोरी हुई थी ना भाई को बताना भूल गया मैं। ऐसा नहीं, हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी लेकिन तब भी नहीं मिली। कुछ नहीं मिलता, दिल्ली से कुछ चोरी हो जाए तो भूल जाओ आप। मैंने सुना है दिल्ली में गाड़ियों में वो लॉक लगा के रखते हैं स्टीयरिंग को। आपने मेरी वो स्पिन देखा पीछे वाले टायर में कितना तगड़ा लॉक लगाया हुआ है, आप देखो ना मजा आ जाए। देख रहे हो, देख रहे हो, ये ऐसा लॉक कोई भी चोर नहीं तोड़ पाएगा भाई। अपने वो ठीक है मनाली। हाँ, जो भी आता था मैं सबसे पहले उसको ये लॉक दिखाता हूँ भाई। बहुत हैवी लॉक है, पूरा गोल्ड प्लेटेड है। हिमन की तसल्ली के लिए। अरे ऐसे ये तो आप ही मुक्का मारोगे टूट जाएगा ये तो, बस मैंने खाली दिल, ये मन की तसल्ली के लिए। तो अभी अपनी थार गई है ऑफ रोड करने के लिए, तो हमने सोचा गाड़ी पे का पीछा करेंगे जब अपने पास बाइक है। भाई धीरे चलाइए, अभी अभी दोनों ठीक हो ना। ओ भाई ये सही गहराई है यार, मतलब देखने में कम गहराई है लेकिन सच में है बहुत, है ना। ये देखो ना भाई पूरी गाड़ी। कभी किसी ने ऐसा करा कि बैक करके गाड़ी डाली और बैक करके वहां से निकाल दियो? गुड आइडिया, करेंगे करेंगे ना। हाँ उधर से चढ़ेगा ना। हाँ। तो भी तेरा बाइक गाड़ी 90 डिग्री जाएगा और जब तू डाउन जाएगा। ये 90 नहीं है भाई, ये तो 90 से भी ज्यादा ही लग रहा है। हाँ। तगड़ा ही भाई, इसमें पानी भी होता है, आज पानी नहीं है। ओके वो देखो टायर हवा में चला गया वो वाला। हाँ संतोष कह रहा है भाई ये वाला ट्राई करो। नहीं हम हमारी जिप्सी में ही वाला करेंगे। हाँ नहीं मेरे को लग रहा है कि इसको अगली बार के लिए रहने देते हैं, ये तो भाई ये भी बंद रहा ना। तो भाई अगर ये वाला करना है ना जिप्सी में। हाँ कर देंगे कोई बात नहीं। हाँ। कमेंट करो 10,000। अरे बाप रे बाप, ये वाला करना है भाई। वीडियो शुरू होते ही 10,000 कमेंट कर देंगे इसके लिए। तो ये भाई इसके लिए अगर 10,000 कमेंट हो गए ना, नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ दिखेगा, हम दोनों ऐसे जिप्सी, मैं जिप्सी के आगे सकती हूँ। ऐसी चीज के लिए ना भाई ये ऐसे कमेंट करते हैं। अच्छा ये चीज करोगे, ले भाई कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट। तो हम 10,000 के टारगेट की जगह ना 20,000 का टारगेट रखते हैं, ताकि पूरा ही ना हो, ताकि हमें करना ही ना पड़े। तो 20,000 सही नहीं कह रहा भाई, कम से कम भाई 20,000 कमेंट का टारगेट है। और भाई अगर आपने कर दिया तो ये कर करना पड़ेगा तो हमें फिर, हाँ फिर पता नहीं, फिर सही में शक्तिमान बनना पड़ेगा। अब तो मैं असली मजे दिलाते हैं, बस 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 आप चढ़ाओ ऊपर, टायर ऊपर को काटो। ओ ये तो खतरनाक हो गया। हाँ भाई। तो भाई अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, अपने को ना एक रील शूट करनी थी। देखो चीजें देखने में कितनी इजी लगती है ना, हाँ भाई 2 मिनट की वीडियो शूट ही तो करनी है, लेकिन एक रील शूट करने के लिए पहले दरवाजा खोला, सीट पे पैर रखा, अभी मैं ऊपर चढ़ा, अब रील शूट हो गई, अब मैं वापसी नीचे उतरूंगा, अब थोड़ा बहुत हम करेंगे ऑफ रोड, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत करेंगे, और जब ज्यादा वाला तब करेंगे जब आप लोग 20,000 कमेंट कर दोगे। अपनी वही वाली शर्त है, 20,000 कमेंट आएंगे तो भाई कसम से मैं कह रहा हूँ आतंक मचा देंगे अपनी जिप्सी पे। पहले गेट खोलना पड़ेगा भैया मुझे आके। नहीं नहीं मैं सोचता हूँ बोनट से उतर जाता हूँ। हाँ मेरे को लग रहा है जिप्सी कम स्टंट मार रही है, मैं ज्यादा मार रहा हूँ। तो ज्यादा जल्दी सही हो गया ना। मैं ठीक है भाई। ये वो एक टाइम था तू ना कहीं भी बैठा रहता जंप कर लेता था। हाँ अभी मेरे को थोड़ा डर लगता है जंप करने में, लेकिन वो टाइम दोबारा आएगा, जल्दी आएगा। अभी कितनी खुश है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Oh, my God.
धुआं कर दिया पूरा। अच्छा रहा, बढ़िया। अभी तो बोल रहा था मैं नहीं आ रहा उधर अभी। नजर आ रहा हूँ। हाँ नजर आ रहा, बोल बोल। ठीक है, मजा आया। आया आया, मजा आया। सच बता रहा हूँ, अब मेरे को फील आ रहा है कि भाई जट अपनी फॉर्म में आ रहा है, मतलब तगड़ी वाली फॉर्म में। अभी एक चीज और करने जा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। धीरे 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 धीरे। ओ रोक 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 रोक। ये देखो गाइस, ये चीज आप चेक कर रहे हो। ओ भाई, एक टायर पूरा हवा में खड़ा है। अंदर से आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। और रे रे। चल 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 चल, ये भाई साहब। तेरा भाई जमीन को टच कर सकता है। ओ भाई भैया पॉपट हो गया, बंद हो गई आपके बीच में ऑफ रोड में। पता क्या चक्कर है इसमें? ना पेट्रोल कम है, पेट्रोल इस तरफ आ गया। पेट्रोल उधर आएगा तो स्टार्ट होगी। ये क्या हो गया ऑफ रोडिंग करते हुए? ये क्या हुआ ऑफ रोडिंग में? स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ओ भाई हो गई, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूँ ना, गाड़ी में दिक्कत नहीं है, तेल में दिक्कत है। तेल ही थोड़ा सा था ना, एक बार फिर से ट्राई, इतने ही पेट्रोल में खींच। ओ भाई साहब, कैसा लग रहा भैया दीवार पे बैठ के? वो वाला पेड़ है ना, वो मिट्टी उड़ रही थी, आपको नजर ही नहीं आया होगा। मिट्टी नहीं, ये डोजर से पैक्ड है ना। ओके 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 ओके। हाँ कोई नहीं यार, ऑफ रोड में गाड़ी चलेगी, कुछ ना कुछ तो हो गई। हाँ डोनट पे डोनट। क्या बात है, भाई पीछे हो जाओ 15-15 कदम। भाई साहब मिट्टी सामने से ऐसी आ रही है ना, सारे कपड़े तहस नहस हो जाएंगे। तो देखो ना, भाग लो। तो भाई फाइनली आज इतनी धूम मचा दी ना, इतना सोच के नहीं आया था कि भाई इतना आतंक मचा देंगे। गाड़ी की एक बार हालत दिखाता हूँ आप। साफ सुथरी गाड़ी लेकर आए थे, लेकिन अभी ये देखो, इसके ऊपर नाम लिख सकते हैं भाई हम अपना, JATT जट। क्या बात है, घर से जब निकले थे ना, इतना नहीं सोचा था कि इतने मजे आएंगे, लेकिन करते करते मजे आते गए फिर और ज्यादा करते गए। लेकिन हाँ, एक दो चीजें और बची हुई हैं जो और ज्यादा एडवेंचरस है, लेकिन उसके लिए तो भाई आपको बताइए कितने कमेंट करने, कर दोगे तो करेंगे।
क्या निकाल रहे हो भाई, मेरी गाड़ी का रेडिएटर निकाल रहे हो क्या? अच्छा, हम अपने पत्ते निकाल रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं यहाँ का पत्ता वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। हाँ। तो भाई अभी यहाँ से सीना थोड़ा पार्टी वार्टी का, जाएंगे अपने सुमित के कैफे, वहीं बैठेंगे, थोड़ी पार्टी वार्टी करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे फिजियो के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे घर। भाई क्या ये हालत हो गई है, गाड़ी देख के ना मेरे को मजा सा आ रहा है। लोगों को गंदी गाड़ी ना वो गंदी लगती है, और हमें गंदी गाड़ी अच्छी लगती है। सीट का हाल देखो ना। एक चीज आपको मैं और बताऊं, अभी ना मैं बहुत सारे व्लॉगर देख रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे टाइटल जैसे मैं डाल रहा हूं कि हाँ सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, कि इसने ये कर दिया, फाइनली हमने ये कर दिया, तो ये टाइटल हम किसी के कॉपी कर रहे हैं भाई? कुछ बंदे तो अभी आए YouTube पे, हमें तो 5 साल हो गए, 3 साल पुरानी मेरी वीडियो उठा के देख लेना, जब लोग YouTube पे होते भी नहीं था ना, तब भी मेरे टाइटल आ। सोचा नहीं था KTM 390 में ये हो जाएगा। सोचा नहीं था हायाबूसा का रेडिएटर खोल देंगे, ऐसे टाइटल भाई मैं 3 साल पहले डालता था। और जो लोग कह रहे ना कि भाई मैं उनका कॉपी कर रहा हूँ, तो भाई गलत फहमी में मत रहना, सिर्फ यूट्यूब पे देख लेना, जट प्रभजोत सोचा नहीं था, जट प्रभजोत फाइनली ये लिखोगे ना, मेरे 3-3 साल पुरानी वीडियो आ जाएगी जिनमें मैं ये टाइटल यूज करता था। आज बंदे उसका अपने ऊपर ले रहे कि भाई हम जैसे टाइटल डालते हैं दुनिया वैसे डाल रही। नहीं भाई, 3 साल पहले हम ये टाइटल डालते थे जब तुम लोग यूट्यूब पे भी नहीं थे। बाकी ठीक है, अभी जा रहे हैं कैफे, पार्टी वार्टी करेंगे और उसके बाद मौज करेंगे। तो भाई अपनी शॉप का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है, यहाँ से दरवाजा भी निकल गया, पूरे फट्टे वट्टे भी लग गए, मेरे को लग रहा है 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको कभी भी हमें शाम को ढूंढना हो ना, मतलब यही कोने वाला सोफा, यही अड्डा है हमारा, यही बैठे मिल जाएंगे। पहले तो कुछ टाइम से तबीयत खराब चल रही थी ना, तब तो घर से निकल ही नहीं रहे थे, अभी निकलते हैं, जब भी कॉफी पीने का मन है, कुछ ही मन है, यहाँ आते हैं आराम से कॉफी कॉफी मारते हैं, फिर एक्सरसाइज उक्सरसाइज करे घर चले जाते हैं। तू आ तो भाई, जब तक लैपटॉप मैं पकड़ता हूँ, जब तक नई गाड़ी नहीं लूंगा क्या, जब तक नई गाड़ी तू नहीं ले रहा ना, तब तक ऐसे ही बैठेंगे। अरे यार, अरे रुक जा, मेरे को लैपटॉप पीछे रख देते। अबे ओ भाई मेरे, मैं मेरे को ये बताओ मैं गियर कहाँ से डालूंगा भाई, तू गाड़ी ले ले या तो हम ऐसे ही एक होता ना भाई, दो पतले बंदे आगे एडजस्ट हो गए हैं, दोनों के दोनों एक जैसे भाई, दोनों के दोनों बहुत पतले हैं भाई, हम तो ये तीनों तीन के बराबर। तू गाड़ी ले भाई। हाँ ठीक है भाई, मेरे को अब नई गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मतलब हम लोग अपने लेनी, इनके लिए तो लेनी पड़ेगी भाई। लेकिन अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना भाई, कष्ट हो रहा है, कष्ट कष्ट ये समझ लो, एक ना पूरे जो ये समझ लो, एक स्कूटी पे ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं हम, वाइड एंगल पे भी तो वैसे आ रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही है भाई। आराम मिला, जन्नत मिल गई। ध्यान रखना, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, चल भाई ओके। तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल कम था, तो हमने सोचा पेट्रोल डलवाते हुए निकलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप 200 यारों के साथ बैठते हो ना, आपको टाइम का पता नहीं लगता, आप सोचते हो कि हाँ भाई 15-20 मिनट बैठेंगे, थोड़ी बहुत बातें बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे 1-2 घंटे ऐसे बीत जाते हैं ना, फिर आपको याद आता है अरे यार ये भी काम था, ये भी काम था। तो भाई आधे घंटे के लिए बैठे थे, 1.5 घंटा हो गया, अभी जाता हूँ, देखता हूँ फिजियो होगी नहीं होगी। तो आज एक्सरसाइज के लिए लेट हो गया, एक्सरसाइज तो नहीं लेकिन चेयर्स हमारा बाकी है, चेयर्स चाय का। तो भाई फाइनली निकल गया घर को, और आज का दिन ना बहुत बढ़िया रहा। देखो होता क्या है ना, मेरी आदत क्या है, मेरे को उस दिन में मजा आता है जिस दिन में कुछ एडवेंचर करने को ना, जैसे मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, किसी ऑफ रोड रस्ते में बाइक चला रहा हूँ, या कहीं पर भी बाइक चला रहा हूँ, या गाड़ी में ऑफ रोड कर रहा हूँ, उस दिन में मेरे को बहुत मजा आता है। तो आज का दिन मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट था, ऐसे ही आगे आने वाले दिन भी रहे, बाइक चलाने को मिले, गाड़ी चलाने को मिले, कुछ ना कुछ एडवेंचर करने को मिले। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको मजा आया होगा। देखो यार अपने को तो आज बहुत मजा आया, मतलब जिस दिन एडवेंचर करने को मिलता ना वो मेरा बेस्ट डे होता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे पुराने वाला प्रभजोत ना वापसी आ गया। और मेरे को ये भी लगता है कि जिस दिन मेरे को मजा आता ना मैं दिल से वीडियो बनाता हूं, आपको भी उतना ही मजा आता होगा। यहां तक आपने वीडियो देख लिया, कुछ भी अच्छा लगा, कम से कम इस वीडियो में ना 1.5 लाख लाइक कर देना, जितने ज्यादा लाइक होते ना उतना ज्यादा अपने को मोटिवेशन मिलती है कि अगली वीडियो और ज्यादा बढ़िया बनानी है और कुछ एडवेंचरस करना है। और इसमें अगर लाइक आ जाते हैं ना बहुत सारे, और कम से कम 20,000 कमेंट आ जाते हैं, फिर जो मेरा वादा ना कि हाँ भाई वैसे वाला एडवेंचर करना वो करके दिखाऊंगा। बाकी यहां तक वीडियो देख ले, लाइक करें मेरा बिल्कुल मत जाना, और हाँ अपना ओपिनियन ना यहाँ वहां मत दो, प्रोबो को डाउनलोड करो, प्रोबो पे अपना ओपिनियन देकर पैसे कमाओ। यहां तक वीडियो देख ले, कमेंट जरूर करना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय, गुड नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।